पिलाने वीडियो टी भल लगे लाइक करदेव चैनल टी सब्सक्राइब करदेव। आज आस आम द्वितीय श्रेणी अर्धवार्षिक परीक्षा 2017-18 मसीह जो प्रश्न आसी से प्रश्नर अभ्यास को आम कर प्रश्न गुड़िकर उत्तर करवा। ये देख एक नंबर कौन दे बंधनी मध्य ठीक उत्तर बाछी लेख ए बंधनी मध्य उत्तर दे आम बाछिक लिखा देख कौन दे नंबर एक दिन सामान केते घंटा आम मन 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 पकईवा केते देख 12, 20, 24, 30 तेब एक दिन सामान केते घंटा रे 24 घंटा कौन कर 24 को गोल करदेव आठ उत्तर आबिश लिख तापर कौन दे ख नंबर 8 रो पूर्व संख्या और पर संख्या मिसी केते तो एठी दे देख 8 रो पूर्व संख्या आउ पर संख्या मिसी केते कोई देख आम 8 रो पूर्व संख्या और पर संख्या को लिखा पूर्व संख्या 7 पर संख्या हूँ 9 एवं कौन कर 9 आउ 7 को मिसई दि 9 आउ 7 मिसीगले के 16 ये देख 16 दे 16 को गोल करदेव आउ ए उत्तर कौन कर लिखिदेव 16 है। दुई नंबर कौन कही देख ठीक भूल चिन्ह दि मान ठीक उक्ति पाखे ठीक चिन्ह देवा भूल उक्ति पाखे भूल चिन्ह देवा। ये देख तीन अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या दे 111 है तो तीन अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या केते मन पकईवा तीन अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या केते रे 100 तेबे एटा भूल देछि तेबे आमे कोन करिबा एठी भूल चिन्ह देबा। तापर 211 रो परवर्ती संख्या 212 एटा ठीक देछि देखो 211 पर आमे 212 लिखु ना ठीक अछि तेबे एठी आमे कोन करिबा ठीक चिन्ह दे। तीन नंबर देख पिला माने कोन देछि स्तंभ मिडल कर ए भली प्रश्न तुमको देथिबो तुमे कोन करिवो खातारे लिखिबो तापर जेकि स्तंभ मिडल कर क स्तंभ ख स्तंभ देछि क स्तंभ तरे कोन देछि एक अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या है ये देख दे 9 आउ 10 कौन कही एक अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या आम मन पकईवा एक अंक विशिष्ट बृहत्तम मान हूँ सबुठ बड़ संख्या किए न ये छोट कर लिखिदेव तापर कौन कर नारटा है दुई अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या दुई अंक विशिष्ट क्षुद्रतम मान हूँ सबुठ सबुठ सान संख्या किए 10 दुई अंक विशिष्ट ये 10 लिखिदेल तापर कौन कर 10 को 12 टाणीदेव तापर कौन दे दुई अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या दुई अंक एक अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या किए रे गोटे न दुई अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या हूँ 99 ये 99 लिखिकी 99 को 12 टाणीदेव तापर कौन दे देख 4 नंबर निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दि दे कौन प्रश्न दे देखा 1, 10 परवर्ती संख्या लिखापी कही तेब यही देख अक्षर दे 1, 10 है 1, 10 यहाँ जी 1, 10 सामान के 10 सीए कही 1, 10 परवर्ती संख्या लिखापी परवर्ती संख्या आम कौन करूँ ए डाण पटे गार दू तेब ए 10 परवर्ती संख्या के 11 तेरे ये उत्तर केखब 11 है दे कौन दे ख नंबर 1000 रो पूर्ववर्ती संख्या ये देख तुम्हें लेखिकी कर सब बड़े ये 1000 लिखल तार पूर्ववर्ती संख्या 1000 रो पूर्ववर्ती संख्या 1000 पूर्वर आम केते लिखु रे 999 यहाँ को ये तुम्हें कौन कर 999 को ये उत्तर सुंदर भाव लिखिदेव है ग नंबर कौन कही 599 परवर्ती संख्या ये लिखा आग 599 परवर्ती संख्या 599 पर आम के लिखि था मन पकईवा के 600 ये उत्तर कौन कर लिखिदेव 600। 5 नंबर देख पाने कौन दे अलग संख्या बाछी लेख एबे अलग संख्या बाछी बा क नंबर 75, 76, 77, 80
କେମିତି ଆମେ ଅଲଗା ବାଛିବା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲି, କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ୍ରମରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ। ଦେଖ 75, 76, 77 ଏଗୁଡ଼ାକ କ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା। 80 କ୍ରମରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଅଲଗା। ତେବେ 80କୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ ଆଉ ଉତ୍ତରରେ 80 ଲେଖିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, 222, 333, 111, 131 କ'ଣ କହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଏଇଠି ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ସମାନ ଅଛି, 2 2 ଅଛି, ଏଠି ବି 3 3 ଅଛି, ଏଠି 1 1 ଅଛି, ଏଠି 1 3 1। ତେବେ କେଉଁଟା ଅଲଗା ହେବ, 131, ଏଇଟାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ ଆଉ ଏଇଠି ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, 5 10 15 18 20 କ'ଣ କହିଛି, 5 ଗୁଣନଖଣ୍ଡା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କେଉଁଟା 5 ଗୁଣନଖଣ୍ଡାରେ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 20, 18 ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଅଲଗା, 18କୁ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ 6 କ'ଣ ଦେଇଛି, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, 9 4 গুণ 4 ବେଶୀ, ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ, କ'ଣ କହିଛି, 9 4 গুণ ମାନେ ଆମେ ଗୁଣ କରିବା, ହେଲା, କେତେ, 9 6 36 ବା 4 9 36 କେତେ ବେଶୀ, 4 ବେଶୀ, ଏଇ 36 କ'ଣ କରିବ, 4 ମିଶେଇ ଦେବ, କେତେ ହେବ, 36 4 ମିଶିଲେ ହେବ 40, ଏଠି ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଦେବ 40। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, 3 5 গুণ ସମାନ 3 গুণ। ଏଇଠି ଦେଖ 3 5 গুণ ସମାନ କେତେରେ, 3 5 15, ହେଲା, 3 গুণ କହିଛି। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଯେମିତି 3 5 গুণ ସମାନ ଆମେ 15 ପାଉଛୁ, 3 গুণ ସମାନ ହେଉଛି 15, 5 3 15, ତେବେ କାହାର 3 গুণ ହେବ, 5 ଏଇଠି ଲେଖିବ, 5 3 গুণ। ଦେଖ 7 କ'ଣ ଦେଇଛି, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ଥିଲେ ସଂଶୋଧନ କର। କ'ଣ ଦେଇଛି, 400 ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 2 ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗଫଳ ହେଉଛି 0। ଯଦି ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଆମେ ଠିକ୍ କରିକି ଲେଖିବା। ତେବେ ଏଠି ଦେଖ 400 ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 2 ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗଫଳ, 400 ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏରେ, 400 ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖିବି କରିବା, 401 ଆଉ 399, ଏଇ 2 ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବିୟୋଗ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖ 0 ଏଠି ହାତ 1 10 ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଠୁ ହାତ 1 10 ନେଲ, 10 ଏଠି 1 10 ନେଲ, 11 9 ଗଲେ କେତେ ହେବ, 9 10 11 କେତେ ପାଇଲୁ, 2। ଏଠି 9 ଅଛି, 9 9 ଗଲେ 0, 3 3 ଗଲେ ବି 0, ତେବେ ଆମେ କେତେ ପାଇଲୁ, 2। ତେବେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଠିକ୍ କରିକି ଲେଖିବା, ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ ତେବେ, 2, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, 3 4 ମିଶିଲେ 1 ହେବ, ଏଇଟା 1 3 4 ମିଶିଲେ 1 ହେବ ଦେଇଛି, ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ, 4, ଏଠି ଲେଖିଦେବ 4। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, କ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବିୟୋଗ କରିବା, ଆମେ ଏ ତଳପଟୁ ବିୟୋଗ କରିବ, 4 3 ସମାନ ହେଉଛି 1 1 ପାଇଲ, ହେଲା, ଏଇ 1ର ପରମ ମିତ୍ର ଏଠି ଲେଖିବ, ଏଇଠି ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେବ, ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ, 1ର ପରମ ମିତ୍ର ସମାନ କେତେ, 9, ଏଇଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, 9 ଲେଖିବ। ପୁଣି ଏଠି 6 1 ମିଶାଅ କେତେ ହେଲା, ଏଠି ମିଶେଇବ, ବିୟୋଗ 2 କେତେ ହେବ, 7 2 7 2 ଗଲେ କେତେ ହେବ, ସମାନ 5, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ 5ର ପରମ ମିତ୍ରକୁ ଲେଖିବ, 5ର ପରମ ମିତ୍ର ସମାନ ହେବ 5, ଏଇଠି 5 ଲେଖିବ, ଏଇଠି ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ସାନ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଠି 4 2 ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ, 4 3 ସମାନ ହେଉଛି 1, ତେବେ କେତେ ପାଇଲ, 159। ସେହିଭଳି ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଆଧାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣନ କର। ଏଇଠି ଦେଖ ଆଧାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି,
आधार साहाज्यरे गुणन कर। आधार संख्या आम कौन कौन जानु दस जानु शहे तेज यहाँ के विशिष्ट आधार संख्या पखापाखी संख्या दस तेरे ये आम कौन करवा लिखा आधार संख्या हूँ समान दस है ये आठ रे के जग कले दस हे दुई तुम्हें कौन कर युक्त दुई कर छत मिसले दुई दस हम चार युक्त चार कर तापर कौन कर चार ए दुईटा को गुणन कर चार गुणन दुई सामान हूँ आठ ये लिख आठ तापर ए संख्यार यटा को ये कर संख्यार यटा को वियोग कर तेरे ये छयोग दुई कर छयोग दुई सामान के चार आठ रु आठ रु भी चार वियोग कले हे चार तेबे आमे केते पाइलु समान अठचाळीस छा अठचाळीस ना ए भली आमे करिबा। नौ नंबर कोइछि एक पदर प्रकाश कर देख कमी करवा पाँच रन गुण ठारु एक अधिक देख पाँच रन गुण कोइछि गुणन करदे पाँच तीर के पंदर केते अधिक एक अधिक युक्त एक करदेव तेब के पाइल षोल उत्तर कौन कर ताकर कौन कही नंबर दुईट अधा मिसी हो संख्या दुईट अधा मिसले के देख यहाँ गोटे अच्छे यहाँ दुईटा अधा कर दिगला तेरे दुईटा अधा मिसी गले के लिख एक दस नंबर कही बड़ रु सान क्रम सजाई लिख देख संख्या दे दी बड़ रु सान क्रम सजाई लिखा ये देख आम सब बड़े शतक घर अंक शह घर अंक को देखा ये देख सबू शह घर अंक अलग अलग तेब ये देख तीन दे चार दुई छत तेब किए सब बड़ सात तेरे आम प्रथम ये सतश दुई को टिक देदे आखिबा तापर से आम देखा ना ये देख किए बड़ अच्छी छ छु टिक दे कमा दे कि लिखिदेव छः अनेश ये तीन टाइम देखा किए बड़ अच्छी चार चार शह अठेस तापर देख किए तीन शह बार तापर किए दुईश पंदर है ख नंबर देख दे कौन करवा संख्यार लेख कौन दे पांच शह अठर पांच लिखिदेल पांच शह अठर केत अठर एक आठ अठर तापर दुईश चबीश दुईश लिख के कते चबीस दुईरे चार चबीस आठश पाँच आठश पाँच तापर छः अणचाश छः अणचाश बा अणपचाशा को अणचाश कह जाए के अणपचाश चार तापर तीन शह कोड़े ये तीन शह दुईरे शून तापर कौन कही देख पूर्ववर्ती संख्या लेख तुम प्रश्न ये देख संख्या दे दी सीधा सीधा लेखा था मुझको तौर लिखिदेगी तुम्हें परीक्षा खातार कौन कर एमती तौकू तौर लिखिदेव पूर्व संख्या कही मान यशर ए बाम पटे डैश देदेव है डैश देदेव आउ लेख एमती सबुरे लिखि सारिक डैश देदेव तापर लिख पांचश पूर्वर तुम्हें केते लेख रे चारिश उन्नीस तापर छः आठ पूर्व संख्या के छः सात तीन शह सतुरी पूर्व केत लेख तीन शह छे नणस्तरी चारिश अशी पूर्व केत लेख चारिश सतरे नशी नौश नब्बे पूर्व केत लेख नौश आठ रे नणानबे है मन पकईक आम परीक्षा खातार लिखा घ नंबर कौन कही देख चार शौ अठाईस चार रूल्य दुईर मूल्य ठार के अधिक देख आम उत्तर लेखिक करवा चार शौ अठाईस चार रूल्य आम प्रथम लिखा चार रूल्य सामान के चार रूल्य चार्टा कौ घरे अच्छी शह बा शतक घरे चार रूल्य हम चार शौर कौन कही दुईर मूल्य ठार के अधिक दुईर मूल्य आम लिखा दुईर मूल्य दुईटा कौ घरे अच्छी दशक घरे दुई दस सामान हूँ कोड़े ये दशक घर तेरे लिखा एवं कौन करदेव वियोग कर शून रु शून गले हे शून ये हाथ दस दस रु दुई गले हे आठ एटी तीन तेब के अधिक
380 अधिक लिखी दबो 380 अधिक हला। तापर ओ नंबर केउ संख्या रु 125 वियोग करले वियोग फल तीन अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या हेबो हला। एठी देखो आमे जानिनु केउ संख्या रु केते वियोग करले केउ संख्या रु 125 वियोग करले वियोग फल आमे केते पाइबा तीन अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या। तीन अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या केते रे 100 तेब से कही संख्यार 125 वियोग कले वियोग फल तीन अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या तेब ये देख येसटा को आम एम रखा है डैश सामान यहाँ देख सामान पर लिखाई 100 को ए डाहा पटे एटा चली गले केते हेबो टी जॉब हे जीवो 125 हला। एबे ए 125 को मिसा केते होची केते हेबो 525 तबे आमे केते पाइलु क्षुद्रतम केउ संख्या रु 125 वियोग करले वियोग फल तीन अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या हेबो 225 रु। तो ये लिखी देव 225 रु 125 को वियोग कले वियोग फल तीन अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या संख्या देख छ नंबर कौन कही तुम पाखे 210 टाँचा अच्छी तुम भाई पाखे तुम ठार 100 टाँचा अधिक अच्छी तुम दुईं टाँचा मिसी के लिखला बेले कौन कर पाने लिख मो पाखे टाँचा अच्छी सामान लिख के 210 टाँचा तापर तुम भाई टाँचा बाहर कर लिख मो भाई पाखरे टाँचा अच्छी सामान देख कौन कही तुम भाई पाखरे तुम ठार 100 टाँचा अधिक अच्छी तेरे कौन कर 100 टी देख 210 टाँचा तुम पाखे अच्छे से 210 टकर पुणी 100 टाँचा अधिक अच्छे मिसई देवा आम है तेज 210 100 को मिसा के 1 2 1 3 310 टाँचा 310 टाँचा मो भाई पाखे टाँचा अच्छे सामान 310 टाँचा तापर दुहीं टाँचा मिसी हेब देख दुहीं टा मिसी सामान के 210 युक्त 310 सामान मिसेवा देख शून को मिसा के शून एक एक मिसले दुई तीन रे दुई मिसले तीन आउ दुई को मिसा के 5 केते टंका हला तबे 520 टंका तबे आमे एठी अतएव लिखिबा अतएव दुहीं टा मिसी 520 टंका हेबो। 11 नंबर कौन देछि देख गोटे ग्राम रे पुरुष स्त्री और पिला मिसी 947 जन बास करती से मध्य पुरुष संख्या दे दीची 328 स्त्री संख्या 325 हेले पिला संख्या केते आमे कौन करवा देख लेखिकी करवा है प्रथम लिख गोटे ग्राम रे पुरुष स्त्री और पिला मिसी 947 जन
ଜନ୍ ବାସ କରନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଦେଇଛି। ତେବେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ମିଶି ଏବେ ସମାନ ଦେଖ, ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦେଇଛି 328 ଯୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦେଇଛି 325। ଏବେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିଦେବା, ଯୋଗ କରିଦେବା ହେଲା। ଏଠି ଯୋଗ କରିଦେବ, ଏମିତି ଯଦି ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତ ପୁତଳ ଲେଖିକି ଯୋଗ କରିବ। 8 আর 5 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେବ 13 13, ଏଠି 2 2 4 1 5 3 3 6, ଏବେ କେତେ ହେଲା 653। ଏବେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲା ସଂଖ୍ୟା, ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ବାହାର କରିବା। ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଆମେ କେତେ ପାଇଲୁ 653 ଯେଉଁ। ଏବେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲା ମିଶି 947 ଜଣ ଥିଲେ। ଏଇଠି ଲେଖିବା 947 ବିୟୋଗ 653। ଏବେ ବାହାର କରିଦେବା ଏଠି 947 ବିୟୋଗ 7 3 ଗଲେ ହେବ 4। ଏଠି ହାତ 1 ଦଶାଙ୍କ 14 ପାଇଲି ହେଲେ କେତେ ହେବ 9 10 11 12 13 14, ଏଠି 9 ହେବ। ଏଠି 8 6 ଗଲେ ହେବ 2। ତେବେ ଆମେ କେତେ ପାଇଲୁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 294 ଜଣ। ଅତଏବ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 294 ଜଣ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ତୁମ ଘରେ 325 ନଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଗଛରୁ ଆଉ 425 ନଡ଼ିଆ ତଡ଼ାଗଲା, ସେଥିରୁ 215 ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା, 48 ନଡ଼ିଆ ପଚିଗଲା, ଆଉ କେତେ ନଡ଼ିଆ ବଳକା ରହିଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେତେ ନଡ଼ିଆ ହେଲା ଆଗ ବାହାର କରିବା। ଏଠି ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ଆମ ଘରେ ନଡ଼ିଆ ଥିଲା ସମାନ କେତେଟା ଥିଲା 325 ହେଲା। ଗଛରୁ ତଳା ଗଲା, ଗଛରୁ ତଳା ଗଲା ସମାନ କେତେଟି 425। ଏବେ ନଡ଼ିଆ ହେଲା ମୋଟ ନଡ଼ିଆ ହେବ, ମୋଟ ନଡ଼ିଆ ସମାନ ଆମେ ବାହାର କରିବା 5 5 ମିଶା କେତେ ହେବ 10। ଏଇଠି 1 ଲେଖିଦେବ, 2 2 4 1 5 4 3 7, କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ହେଲା 750 ନଡ଼ିଆ। ଏଇ 750 ନଡ଼ିଆରୁ 225 ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା, କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ଲେଖିବା, ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରି ହେଲା ସମାନ କେତେଟା ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା ଦେଖ 215। ଏଠି 215 ଲେଖିବ, ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା ମାନେ ତୁମ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲାନି, କ'ଣ କରିବ ବିୟୋଗ କରିବ। ଏଠି 0 ରୁ 5 ଯିବ ନାହିଁ, ହାତ 1 ଦଶ ଆଣ, 10 ରୁ 5 ଗଲେ ହେବ 5। ଏଠି 5 ରୁ ହାତ 1 ଦଶ ଯାଇଛି କେତେ ଅଛି 4 4 ରୁ 1 ଗଲେ ହେବ 3। ଏଠି 7 7 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ ହେବ 5। ତେବେ ତୁମ ପାଖରେ କେତେଟା ନଡ଼ିଆ ଏବେ ରହିଲା 535, ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ପୁଣି 48 ନଡ଼ିଆ ପଚିଗଲା। ଏଠି ଲେଖିବ ନଡ଼ିଆ ପଚିଗଲା ସମାନ କେତେଟା ନଡ଼ିଆ ପଚିଲା 48, ଏଇଠି 48 ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ରହିବ 25 ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ମାନେ ବିୟୋଗ କରିବ। ଏଠି 5 ରୁ 8 ଯିବ ନାହିଁ, ହାତ 1 ଦଶ ଆଣ, 15 ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ ହେବ 7। ଏଠି ଅଛି 2 2 ରୁ 4 ଯିବ ନାହିଁ, ହାତ 1 ଦଶ ଆଣ କେତେ ହେବ 12 12 ରୁ 4 ଗଲେ ହେବ 8। ଏଠି 5 ରୁ 1 ଯାଇଛି 4। ତେବେ ତୁମ ପାଖରେ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ରହିଲା, ଆଉ ତେବେ କେତେ ନଡ଼ିଆ ବଳକା ରହିଲା, କତ ଲେଖିବ ଆଉ 487 ନଡ଼ିଆ
बड़ कार रहिला। गो नंबर देखो, गोटे फूलमाल छोटी गोलाप फूल अच्छे, गोलाप फूल दुई गुण चंपा फूल अच्छे, चंपा फूल तीन गुण मंदार फूल अच्छे, तेबे से फूलमाल मोट केते फूल अच्छे। बढ़िया प्रश्न दी, प्रथम उत्तर ले कौन लिख गोटे फूलमाल छोटी गोलाप फूल अच्छी। तापर प्रश्न को देखो कौन कह, गोलाप फूल दुई गुण चंपा फूल अच्छे, तो आम चंपा फूल बाहर करवा, चंपा फूल अच्छी समान केते अच्छी गोलाप फूल दुई गुण, गोलाप फूल केते अच्छी रे छोटी अच्छी केत गुण कही दुई गुण, एटी दुई लिखिदेव तापर गुण चिन्ह देदेव, तेब छुणे के छुणे हूँ बार, तेब चंपा फूल केतोटी अच्छी बारटी पाइल है। तापर कौन कह, चंपा फूल तीन गुण मंदार फूल अच्छी, तेब आम एवं मंदार फूल बाहर करवा, मंदार फूल समान कौन करवा, चंपा फूल तीन गुण मंदार फूल। देखो चंपा फूल आम के पाइल बार, सी कही चंपा फूल तीन गुण केत गुण तीन गुण, गुण चिन्ह देदेव समान बाहर कर बार तीर के छत्तीस, एवं छत्तीसटी, तेबे मंदार फूल छत्तीसटी पाइल, तेबे एवं सी कौन कही, तेबे से फूलमाल मोट केते फूल अच्छे, ये मोट बाहर करवा, मोट फूल अच्छी समान ये देख गोलाप फूल केते अच्छी, एटी गोलाप फूल मिसेवा में युक्त चंपा फूल युक्त मंदार फूल है, तो ये तुम्हें जानवापी मुझे लिखली, तुम्हें सीधा एमती लिखि भी पार्ब, गोलाप फूल छ अच्छी युक्त चंपा फूल बार युक्त मंदार फूल केते पाइल छत्तीस, एबे तुम्हें मिसई दि एमती जदि मिस तेब बार छ मिसले के अठर, बार आ छाओ के पाइल अठर, एबे अठर आउ ए छत्तीस को मिसाओ आठ आ छ मिसले के चौद, चौद रु चार एटी एक तीन एक चार एक केते हेबो पाँच, तेब आम मोट फूल केते पाइलु, मोट फूल अच्छी केते देबे चौवन, अतए से फूलमाल रे, से फूलमाल रे चौवनटी फूल अच्छे। घ नंबर कौन दे, मधु साधु और मदन रो वर्तमान बयस मिसी पचीस वर्ष, आठ वर्ष पर सेमानकर बयस मिसी केते हेबो, पुणी कौन देला चार वर्ष पूर्व सेमानकर बयस मिसी केते थिला, एठी देख उत्तर प्रथम आम यू लिखा मधु साधु ओ मदन रो, मदन रो वर्तमान बयस मिसी केते पचीस वर्ष, वर्तमान बयस मिसी होची तांकर पचीस वर्ष, कौन कह आठ वर्ष पर सेमानकर बयस मिसी केते हेबो, एठी लिखिबो आठ वर्ष पर सेमानकर बयस मिसी हेबो, वर्तमान बयस केते दैछि रे पचीस दैछि हैला, आठ वर्ष पर हैला पचीस युक्त आठ लिखब, आठ वर्ष पर सेमानकर बयस मिसी केते हेबो, देखो आठ वर्ष करी केत जनकार बयस बढ़िब, मधु साधु आ मदन केत जन हेले एक दुई तीन, एटी कौन करिब आठ गुणन तीन लिखिब हैला, पचीस युक्त आठ तीन केते चौबीस, एबे ए दुईटा को जब कर दियो पाँच आ चार मिसले केते हेबो न दुई दुई चार, तेबे आठ वर्ष से मानकर आठ वर्ष पर
ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ମିଶି କେତେ ହେବ 49 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେଇଭଳି କ'ଣ କହିଛି 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ବୟସ ମିଶି ଥିଲା 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ମିଶିଥି କେତେ ବାହାର କରିବା ଆମେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା। ତ ଏଇ 25ରୁ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାନେ ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା, ଏଠି ଦେଖ ବିୟୋଗ ହେବ, 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ କହିଛି 4, କେତେ ଜଙ୍କାର 3 ଜଙ୍କାର ଗୁଣନ 3 କରିବ। ଏବେ 25 - 4 = 3 ହେଉଛି 12, ଏଠି ବିୟୋଗ କରିବ ସମାନ 5 - 2 ଗଲେ ହେବ 3, 2 - 1 ଗଲେ 1। ତେବେ ଏଇଠି ଦେଖ 8 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ମିଶି କେତେ ହେଲା 49 ବର୍ଷ, ଆଉ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ମିଶି ଥିଲା କେତେ ବର୍ଷ, କେତେ ଥିଲା ତେବେ 13 ବର୍ଷ। ଏଠି ଅତଏବ ଲେଖିବ ସେମାନଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ମିଶି 13 ବର୍ଷ ଥିଲା।